आप सभी बच्चों का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जल उपचार का लेसन स्टार्ट किए हुए हैं और उसका एक वीडियो हो चुका है। ऐसे बच्चे जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो उसको देख लें, जिससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके क्लियर हो जाए। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत कुछ क्लियर रहेगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में थोड़ा सा पीछे का बता दूँ आपको। हम लोग ये देख रहे थे कि कोई भी किसी भी तरह की हार्डनेस है, उस हार्डनेस को हम कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंस में बताते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी सॉल्ट होते हैं उस सॉल्ट का अणु भार या मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो जितने भी यहां पर एटम्स हैं उन एटम्स का एटॉमिक वेट लीजिए और उस एटॉमिक वेट को आपस में ऐड कर लीजिए, आपस में जोड़ लीजिए, और जो उसका रिजल्ट आता है वही अणु भार कहलाता है। ऐसे ही मैंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बताया था। बस यहाँ पे अंतर क्या है, अगर जब कभी भी ट्वाइस लिखा रहता है तो ये जो ब्रैकेट के अंदर के एटम्स हैं उनके सभी के एटॉमिक वेट को जोड़ने के बाद उतने से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। दो से जैसे यहाँ पे लिखा है दो, तो दो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो कैल्शियम का देखिए 40 होता है। ये दो कौन सा है, तो ये दो ये है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक वेट, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन के लिए तीन एटम्स हैं तो तीन का मल्टीप्लाई किया गया है। सभी को जोड़ने के बाद कितना आंसर आ रहा है, 162 आ रहा है। तो ये किसके लिए है, ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए है। अब अगर हम बात करें कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बाद कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का कैसे निकाला जाएगा, देखिए यहां पे इधर देखें कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो सबसे पहले आपको तो फार्मूला लिखने आना चाहिए कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। मैंने यहां पे लिख दिया है। अब देखिए, देखिए दोनों में ये पोर्शन देखिए कॉमन है, देखिए पोर्शन यहां भी कॉमन है, तो इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। देखिए इसको कैलकुलेट करने में कितना आ रहा है, 122 आ रहा है। तो आपको बस चेंज क्या करना है, आपको बस मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट वहां पे लिखना होगा। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, तो मैग्नीशियम का होता है 24 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 122 कैसे आया है इस कैलकुलेशन से, और ये पोर्शन दोनों में कॉमन है। तो बहुत ही आसान सी बात है। अब इसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 426 हो जाएगा, 224 हो जाएगा, यानी 146। तो 146 मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ये मॉलिक्यूलर वेट है किसका, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। इसी प्रकार हम इसको देखने जा रहे हैं, इसी प्रकार हम देखने जा रहे हैं जो बाकी के और भी सॉल्ट हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, ये आपको जरूर से आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं देता है, तो आपको ये जरूर से पता होना चाहिए। अब अगली बात अगर हम किसकी करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट का कैलकुलेशन करना है तो मैग्नीशियम के लिए देखिए कितना है, 24 इसका एटॉमिक वेट है मैग्नीशियम का। अगर हम सल्फर का देखेंगे तो सल्फर का हो जाएगा 32 ऐसा, और ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का 16 है, एटम की संख्या 4 है तो मल्टीप्लाई बाई 4 ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इसको सब जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 24 प्लस 32 और ये कितना हो गया, 64। इस तरीके से इसको साइड में यहां पे ऐड कर लेते हैं जिससे गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। तो यहां पर देखिए ऐसे जोड़ लीजिए, साइड में इसको जोड़ लीजिए आपस में, तो 4 4 8 and 2 10 एक कैरी कर दीजिए, यहां जीरो कर दीजिए और ये हो गया 6 2 8 8 1 9 और 9 और 3 कितना हो गया, 12। तो 120 यानी इसके लिए जो मॉलिकुलर वेट कितना आएगा, 120 आएगा। इस तरह से आसानी से आप जोड़ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कैल्शियम सल्फेट की, तो देखिए मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट में सल्फेट कॉमन है, तो सल्फेट वाले पोर्शन को वैसे ही लिख दीजिएगा, बस चेंज कहां कर दीजिएगा, कैल्शियम का। यानी कहने का मतलब है कि अगर कैल्शियम है तो ये हो जाएगा 40 और बाकी ये दोनों चीजें, मतलब ये दो पोर्शन आप देख रहे हैं वैसे ही लिख लिया जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 32 प्लस 64।
यानी अंतर कितने का आ रहा है, यहां पे ऐड कर लीजिए, यानी यहां पर क्या करिए दोबारा ऐड करिएगा, तो 40, 32 एंड 64 इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 4 to 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 एंड 13 यानी 136, यानी इसके लिए कितना आएगा 136। तो हम क्या सीख रहे हैं किस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट किया जा रहा है। दो और बचे, बस उन दोनों को निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। वो दोनों कौन कौन से हैं, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम का क्लोराइड है, लिखने का तरीका ऐसा है, और एक कैल्शियम का क्लोराइड है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड अगर आपको निकालना है तो मैग्नीशियम का 24 ऐसा, और अगर सीएल का देखें तो 35.5 होता है ऐसा। कितने एटम्स हैं, दो हैं, तो दो से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 24 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 35.5 है, इसका मतलब हो गया 70, 71, तो ये हो जाएगा आपका 71। आपस में ऐड कर लीजिए, 4 एंड 5 हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा 7 to 9 यानी कितना हो जाएगा 95 ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका 95 इसका, किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। और इसी तरह अगर हम निकालना चाहें किसका, कैल्शियम क्लोराइड का, तो कैल्शियम क्लोराइड का अगर हम निकालना चाहते हैं, यहीं पर करके दिखा रहे हैं आपको, मैं आपको आसानी हो जाएगा समझने में। अगर हम किसका निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का, तो कैल्शियम क्लोराइड में ये 40 हो जाएगा ये पोर्शन, और ये तो 71 है ही है, ये 71 आपका है ऐसा, ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 और 7 एंड 4 हो जाएगा 11 यानी 111 यानी 111, ये किसका होगा, कैल्शियम क्लोराइड का। तो एक हमने टेबल बनाया है और इस टेबल से हमने बताया किस किस तरह से मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट किया जाता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जाता है, अब उसको हम इस पे न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे और किस तरीके से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखते हैं सर, पहला क्वेश्चन लिखिए सभी को, अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है जरूर उसे देखिए, तो आपको यहां पर बातें और समझ में आएंगी। फार्मूला जो है इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया हुआ है, तो यहां पर मैं नहीं बता रहा हूं उस फार्मूले को दोबारा, तो अगर आपने पहला वीडियो इसका नहीं देखा है तो जरूर से उसे देखिए। देखिए क्वेश्चन लिखने में आ रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है, इंग्लिश हिंदी में दोनों लिख दूंगा, यहां पर जल के एक नमूने में, जल के एक नमूने में कैल्शियम सल्फेट 204 मिलीग्राम पर लीटर उपस्थित है ऐसा। और कह रहा है इसको कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य में ज्ञात करें, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। अगर इंग्लिश में देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं वॉटर सैंपल having 204 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम सल्फेट। करना क्या है, फाइंड आउट हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस, ये करना है क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि वाटर सैंपल है, एक आपके पास नमूना दिया गया है पानी का, उस पे 204 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम सल्फेट है, यानी कैल्शियम, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मतलब इसका आंसर देख रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट की मात्रा, ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन में, यानी अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट,
और ये मात्रा कितना है, तो ये कह रहा है कि 204 मिलीग्राम पर लीटर है। और हमसे कह रहा है इसको बदलना किसमें है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में, यानी कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य, जैसा क्वेश्चन में लिखे तुल्यांक लिखता है तो तुल्यांक लिखिए, समतुल्य लिखता तो समतुल्य लिखिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक क्या होता है, ये देखिए लिखते हैं हम लोग लवण की मात्रा, इस बार सॉल्ट क्या है कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट की मात्रा लिखी जाएगी। यानी यहां क्या लिखना होगा, यहां लिखना होगा कैल्शियम सल्फेट की मात्रा ऐसे, और जिसकी मात्रा यहां लिखा जाएगा उसी के अनुभार से डिवाइड कर दीजिए। यानी कैल्शियम सल्फेट का यहां क्या लिख दिया जाएगा, अणुभार, ये लिखा गया है कैल्शियम सल्फेट का अणुभार। और मल्टीप्लाई किससे करवाया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार से, आप इसी से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए हो गया, ये फॉर्मूला कर लें। अब आपको बस वैल्यू रखनी होती है, अब वैल्यू रखिए, देखिए ये मात्रा कितना दिया है, 204 दिया है ऐसा। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार निकाला गया है अभी पीछे, कितना आया था, 100 आया था ये, और कैल्शियम सल्फेट का अणुभार भी निकाला गया है। कैल्शियम सल्फेट का अणुभार भी जस्ट हम लोगों ने पीछे निकाला है, अगर आप फिर से भूल गए हैं तो छोटा सा काम करिएगा रफ पर अपने, या आपका रफ है, आपका रफ है जल्दी से लिखिए, कैल्शियम का होगा 40, देखिए कैल्शियम का 40, सल्फेट का होगा 32, और 4 है तो 16 चौके 64, डिवाइड सब कुछ ऐड कर लीजिए जल्दी से, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 4 10 और 136, तो ये कितना हो जाएगा, 136। बस इसी को सॉल्व करना है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो अमाउंट आपका 204 कैल्शियम सल्फेट का था, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य में। तो कैसे होगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे ये डिविजन आता है 1.5 आता है, इसको डिवाइड करने पर और मल्टीप्लाई बाई 100, 1.5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150, यानी 150 मिलीग्राम पर लीटर इस तरीके से। तो यानी अब जो है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अगर देखा जाए, इसके समतुल्य अगर देखा जाए तो ये कितना है, 150 मिलीग्राम पर लीटर है। इसलिए मैंने पहली क्लास में कहा था कि जितनी भी तरह की हार्डनेस होगी सबको किसमें दिखाना है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में दिखाना है, तब हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा वाटर में ज्यादा हार्डनेस है और किस वाटर में हार्डनेस की मात्रा कम है। अगर अलग अलग सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा तो कंपेयर हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कि कैल्शियम सल्फेट को हमने इसमें बदलना सीखा है। इस तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन और हम करने जा रहे हैं, सब कुछ सेम करेंगे, बस यहाँ पे सॉल्ट बदल देंगे। इस बार जो हम सॉल्ट ले रहे हैं वो है कैल्शियम क्लोराइड, यानी सब कुछ सेम रखते हैं, बस यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड कर दे रहे हैं, और जो मात्रा है इसको हम कर दे रहे हैं 1.11 मिलीग्राम पर लीटर कर रहे हैं, और इसको भी कन्वर्ट किसमें करना है, कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य में। तो इसे आप हमसे भी तेज करके दिखाइए जल्दी से, सारे बच्चे अपने कॉपी में करें इसे, तब तक मैं इसे मिटाता हूं। और देखिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, अगर इस तरीके का कंडीशन है तो इसका आंसर कितना आना चाहिए। इंग्लिश में कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पर इसके अमाउंट को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आप अमाउंट को और यहाँ पे सॉल्ट का नाम, बस ये दो काम कर दीजिएगा, यानी इसको 1.11 कर दीजिएगा और सॉल्ट हमने लिया है कैल्शियम क्लोराइड, बस हो जाएगा। अब अगर आंसर देखें, हमको लग रहा है कुछ बच्चों का आंसर आ ही गया होगा, देखिए आंसर अगर हम निकालना चाहेंगे तो हम कैसे निकाल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य है ये निकालना है, अब पूरा नहीं लिख रहे हैं मैं, यहां पर लिखेंगे सॉल्ट की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा का मतलब कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा, तो कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा कितना है, 1.11 है ये, एंड मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार है, और डिवाइड के लिए कैल्शियम क्लोराइड के डिवाइड कर दीजिएगा कैल्शियम क्लोराइड का अणुभार से, ये डिवीजन आपको करना होगा। फिर से जल्दी से निकाल लेते हैं हम पर फटाफट, कैल्शियम क्लोराइड जल्दी से निकालिए, 40 कैल्शियम का
और सीएल का है 35.5 ऐसा, यानी ये कितना हो गया 40 प्लस और ये कितना हो गया 71 और 71 का मतलब 1111, तो हमको लग रहा आसान है, यानी 1.11 इनटू 100 अपॉन 111 मल्टीप्लाई करके ये भी 111 हो गया, और ये वाला बहुत ही कम आ रहा है, ये आ रहा है 1 मिलीग्राम पर लीटर। आसान था क्वेश्चन का, बहुत ही सिंपल, तो ये इतना मिलीग्राम पर लीटर होगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और इस पर अब लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, ये तो हमने देखी, तो एक नंबर या दो नंबर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही छोटे टाइप के क्वेश्चन, लेकिन इस पे क्या होता है पूरा चार्ट बना करके हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं। जब जब एक ही सॉल्व नहीं होगा, जब मान लीजिए ढेर सारे सॉल्व है, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, तब इनको बार बार हमको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो उस तरीके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये सारी बातें जो है हम अब देखेंगे। तो एक क्वेश्चन हम इसमें लगा के देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो देखिए क्या होना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके का है, इसमें लिखते हैं दोबारा। ऐसे बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं, यहाँ पे सभी क्लासेस चल रही हैं, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कठोर जल के एक नमूने का मतलब सैंपल होता है, नमूने में निम्न लवण मिलीग्राम पर लीटर मात्रा में उपस्थित है। इंग्लिश में लिख लेना, बोल दे रहा हूं, द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन अ वॉटर सैंपल इन मिलीग्राम पर लीटर, द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन वॉटर इन मिलीग्राम पर लीटर। देखिए कौन कौन से हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू 16.2, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू 29.2 एंड कैल्शियम सल्फेट 27.2। ये सब कुछ मिलीग्राम पर लीटर में दिया होता है, इतनी मात्रा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जल की कठोरता आपको बतानी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जल की कठोरता, जल की कठोरता ज्ञात करें। जब भी जल की कठोरता ज्ञात करने को कहता है, इसका मतलब है कि जो अलग अलग सॉल्ट या लवण के फॉर्म में लिया है उन सबको आपको बदलना होगा कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य में, इक्विवेलेंस में, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, तभी आप जो है पूरे सैंपल की कठोरता को बता पाएंगे। तो करने का तरीका कैसा है, तो करने का तरीका देखिए, ये तीन अलग अलग सॉल्ट है, तो अगर आप पिछला फार्मूला लगाएंगे तो आपको तीन बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में एक साथ ही पूरा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो देखिए हम कैसे इस कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, देखिए यहां पे आप भी अपनी कॉपी पे टेबल बनाइए ऐसे। देखिए पहला जो है यहां पे हम लिखते हैं लवण का नाम, इसको छोटा रखिएगा, लवण का नाम, नेम ऑफ द सॉल्ट्स, ये पहला कॉलम छोटा होगा जो नाम लिखा जाएगा, नेम ऑफ सॉल्ट्स, क्यों नाम लिखना है, यहां पे लवण की मात्रा जो क्वेश्चन में दिया है,
लव वर्ड की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सॉल्ट ये सेकेंड कॉलम में रखिएगा रसम, और जो तीसरा कॉलम है उस तीसरे कॉलम में क्या करिएगा, तीसरे कॉलम में कैलकुलेशन करने जा रहे हैं यानी हम करेंगे कैल्सियम, नहीं यहां पे अणुभार भी कर लेते हैं एक साथ ही अच्छा रहेगा, यानी लवण का अणुभार भी लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। अभी पहला क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट, ये भी यहां लिख दीजिएगा। और लास्ट में क्या करिएगा, ये लास्ट कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखिएगा ऐसा, और इसमें क्या करना है कैल्सियम कार्बोनेट समतुल्य ये निकालना है, यानी कैल्सियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस ये आपको निकालना है। तो देखिए एक ही कॉलम में सब कुछ आ जाएगा आपका ऐसे, इस तरीके से आप करेंगे तो यहां इस कॉलम में आप पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो लास्ट वाले कॉलम को थोड़ा सा बड़ा रखिएगा और यहां से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारे सब कुछ हमें यहां लिख दिया है इस तरीके से। अब देखिए सॉल्ट का नाम का मतलब जितने सॉल्ट यहां लिखे गए हैं, तो देखिए कौन कौन सा लिखा गया है, तो पहला क्या है कैल्सियम बाइकार्बोनेट, इसकी मात्रा देखिए यहां दिया है यानी कितना दिया है 16.2, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए तो कैल्सियम बाइकार्बोनेट का 162 ही होता है हमको लग रहा है, आप देख लीजिए पीछे से 162 आता है। और मैग्नीशियम का देखिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ऐसा, इसका अमाउंट कितना दिया है 29.2 इस तरीके से। और इसका कितना आता है, तो इसका आता है देख लेते हैं साइड में, यहाँ पे मैग्नीशियम का है 24 और बाइकार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट्स के लिए हो जाएगा आपका, हम निकाल देते हैं यहाँ पे है बाइकार्बोनेट्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 16 ऐसा। जब भी कंफ्यूजन आप थोड़ा कॉपी में निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा 1 + 12 और ये 48 हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा 8 × 10 और ये 1 एक कैरी चला गया है 4, 5 and 6 ऐसा 61 हो रहा है और 2 × 61 इस तरीके से 2 × 2 और ये हो गया 122 122 यहां पर है और 24 आपका पहले से है तो 24 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 4 × 6 हो जाएगा और 2 × 2 = 4 हो जाएगा 146 यानी इसका है 146 मैग्नीशियम का। और कौन बचा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट को भी लिख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट है मात्रा कितनी दे रहा है 27.2 कैल्शियम सल्फेट के लिए, कैल्शियम सल्फेट कितना आएगा तो कैल्शियम सल्फेट का देखिए निकाल रहे हैं कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम हो गया 40 सल्फेट का सल्फर का हो गया 32 और ऑक्सीजन का एक का है 16 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 16 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई 4 तो 64 हो जाएगा तो 64 भी इसी में ऐड कर लीजिएगा तो 6 हो गया 10 and 13 136 तो इसका हो गया। तो रटना नहीं पड़ेगा, आप रट भी नहीं सकते सारे का ये मॉलिक्यूलर वेट, तो हम क्या करते हैं सिंपली ऐसे रफ कॉर्नर बना करके निकाल लेते हैं। तो हमने आपको निकालने का तरीका फिर से बताया यहाँ पे है। अब देखिए क्या करना होगा, आप सीधे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में 16.2 ये क्या है लवण की मात्रा है उसको लिखिए डिवाइड बाई 162 ये क्या है, ये है उस लवण का अणुभार तो यहां लिख दीजिए एंड मल्टीप्लाई बाई 100 ये फॉर्मूला है ऐसे। जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको और डेसिमल हटा दे रहे हैं 10 हो गया ये 10 से कट गया कैंसिल हो गया 162 से कैंसिल हो गया आंसर आएगा 10 तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है यानी ये आंसर भी जो निकलेगा ये आंसर भी निकलेगा मिलीग्राम पर लीटर लिखे जिसमें आपका ये यूनिट दिया जाएगा आंसर भी आपका उसी यूनिट में कैलकुलेट होगा। इसको भी देख लेते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अमाउंट देखिए कितना दिया है अमाउंट दिया है 29.2 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड बाई 146 ये है 146 का डबल कितना है 146 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर देखा जाए तो
सिक्स टू जा ट्वेल्व, एक कैरी चला गया, दो यहाँ हो गया, फोर टू जा एट एंड नाइन, और टू हंड्रेड टू 292, ठीक तो है, यानी इसका डबल है, तो बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये इससे कट जाएगा दो टाइम, और इसका आंसर आएगा 20 मिलीग्राम पर लीटर ऐसा। इसको सॉल्व करके देख लीजिए जल्दी से, 27.2 दिया है, तो 27.2 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड बाई 136, या 136 का डबल देखिए कितना होता है, 136 का डबल कहीं 272 तो नहीं है, 136 का डबल, तो ये हो जाएगा 6 टू 12, पहला मैच कर रहा है, 3 टू 6 दूसरा भी मैच कर रहा है, एंड 272 आ रहा है, यानी फिर से 20 ही आएगा आंसर। फिर से इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 20 आएगा ऐसा। तो देखिए जितना भी हार्डनेस था, देखिए हार्डनेस अलग अलग टाइप का था, यहाँ पे 16.2 था, 29.2 था, और यहाँ पे देखिए 27.2 था, सारी तरह के हार्डनेस को हमने बदल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंस में, और हमसे कह रहा है कि जल की कठोरता कितनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हार्डनेस है उनको आपको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी अब इतना करने के बाद आपको क्या लिखना होगा कि जल की कठोरता बराबर, एक लाइन और लिखनी होगी, तब आपका आंसर निकल जाएगा। हम इस क्वेश्चन यहां से हटा रहे हैं जिससे उस लाइन को हम देख सकें यहाँ पे। तो अब अगर आपको बतानी है, आपको क्या बताना है, जल की कठोरता बतानी है, तो जल की कठोरता बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट की जो हार्डनेस है, प्लस मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट की जो हार्डनेस है, प्लस क्या, कैल्शियम सल्फेट, ऐसा है, कैल्शियम सल्फेट इसकी हार्डनेस, यानी इसका यहां लिख दीजिए, एक लाइन लिख सकते हैं, का कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य, यानी इन सभी का जो कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य आप निकाले हैं उसको जोड़ लीजिए। तो देखिए इसको आपने निकाला है 10, इसको आपने निकाला है 20, और इसको भी आपने 20 निकाला है, तो ये हो गया 20 20 40 10 50, यानी 50 मिलीग्राम पर लीटर ये इसकी टोटल हार्डनेस है जल की। तो जल में जो आपका सारे सॉल्ट मिला करके जो है 50 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस है, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। तो हम आगे वाले जो क्लासेस होंगी इसमें और भी क्वेश्चन को देखेंगे और तरह तरह के टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। आज हमने दो तरह के क्वेश्चन देखे हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए, अगर आपके पास बुक्स है तो उस बुक में आप देखिए, और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगली क्लास में इसमें आगे देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।